Welcome to Asia. Just not true. I will be waiting all my life, and I will cross for you the ocean. और इस तूफान में तूफानी इरादों के साथ इन काले घने बादलों को चीरते हुए हम पहुंच गए। मैं इस समय सबसे पॉपुलर बाजार जो कि है ग्रैंड बाजार, उसके एंट्रेंस पे खड़ा हूं। और आप ये देखिए, ग्रैंड बाजार पुराना इतना है, सबसे पहला दुनिया का बाजार जो है वो ग्रैंड बाजार था। एक स्पाइस की दुकान है यहाँ पर जो कि 1597 में शुरू हुई थी। 1597 में स्पाइस की दुकान शुरू हुई थी। एक ग्रैंड बाजार की एंट्री है और अब मैं कोशिश करके अंदर जाऊंगा। तो मैं हिम्मत करके ग्रैंड बाजार में घुस तो गया हूँ और आपको मेरे जो इस तरह की सारी हर तरह की स्पाइसेस मिलेंगी यहाँ पर, हर तरह की चीज़ें मिलेंगी। और इस बाजार में घूमने का आनंद कुछ और ही है। तो कभी भी आप जो है वो टर्की आए, खास तौर पर इस्तांबुल, तो यहाँ जरूर। हम गलाडा ब्रिज के एकदम नीचे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टिक सर के ऊपर अगर आप देख पाएंगे तो ये गलाडा ब्रिज है। और ये जो रेस्टोरेंट आपको यहाँ का मजा कुछ और है, क्योंकि आप अपने सामने एकदम नजारा देखते हैं। पूरा दिन इस्तांबुल की मस्ती में कुछ इस तरह से खो गए कि कुछ रिकॉर्ड करने का मन ही नहीं किया। और अगले दिन तो आज हम जा रहे हैं एशिया साइड, और एशिया साइड जाने के लिए हम घर से निकले हैं और हम करकोई नाम की एक जगह है वहां हम आ गए हैं। और यहाँ से आप बोट पकड़ सकते हैं या आज की शुरुआत फ्रॉम करकोई टू कदकोई। और जाने के कई सारे रास्ते हैं, आप टैक्सी से भी जा सकते हैं अगर आपको जाना है, और आप या पानी के रास्ते से भी जहाज लेके जा सकते हैं। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप पानी के रास्ते से जाते हैं तो आपको मज़ा बड़ा आता है, और वो क्या मज़ा आएगा ये हम आपको भी दिखाएंगे, क्योंकि हम जा रहे हैं पानी के रास्ते से। और आप चाहे अंदर भी बैठ सकते हैं चाहे बाहर की ओर बैठ सकते हैं। हम जा रहे हैं सीढ़ियाँ चढ़ के बाहर की ओर बैठने के लिए। बाहर जरा मजा आएगा, ठंडी हवा मिलेगी। इस बोट राइड के बाद हम पहुंच गए हैं एशिया साइड, और हम यहाँ पे बोट से निकले हैं और अब कोई नया रास्ता ढूंढेंगे जहाँ हम कुछ ब्रंच करेंगे और फिर उसके आगे एशिया साइड थोड़ा घूमेंगे। मुलाकात हुई मेलिस की बचपन की दोस्त सेल्डा से। I mean, if we wanted to actually come in one frame.
एशिया में पूरा दिन मस्ती करने के बाद जब पानी के रास्ते से हम वापस आ रहे थे तो ये गलाटा टावर्स का नजारा कितना सुंदर नजर आ रहा था। ये गलाटा टावर्स है। तो 5 दिन का ये इस्तांबुल का सफर यहीं पर खत्म होता है और अब हम जाएंगे इज़मिर होते हुए नाज़िले, फिर वहां से आगे कहीं ना कहीं और वो कहां कहां जाएंगे ये सब आपको एक्सप्लोर करके बताएंगे, क्योंकि बहुत सारे शहर हैं लेकिन अभी जिस तरह की हालत चल रही है कोरोना के चक्कर में हमको सोचना पड़ रहा है कि कहां कहां जाएं। बट मेरे इस घर से, इस प्यारे से नज़ारे से जो एकदम गलाटा के बाजू में है, मैं आशो को कहता हूँ इस्तांबुल से बाय। चलो सवा उठाओ हमार। अभी ना हमें ये इतना उठा कर दिखाओ मेरे अंशु। अभी ये इतना भारी सूटकेस जो हमें सीढ़ियों के रास्ते, ये कुछ 40-1 किलो का होगा और ये सीढ़ियों के रास्ते से हमें ले जाना है। और वी हैड अ ग्रेट स्टे, गुड बाय होम। खड़ा हूँ एक गैस स्टेशन पर और बाजू में एयरपोर्ट है, इस्तांबुल एयरपोर्ट। मेरे बाल अभी छोटे कटवा लिए ना, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ से हमने एक गाड़ी की है रेंट कार, जो कि आप लोग भी कर सकते हैं अगर आप इंडियन लाइसेंस पे ड्राइव करना चाहते हैं, तो वो भी 30 दिनों तक वैलिड है। अपडेट के लिए आप गूगल कर सकते हैं, साइट पे चेक कर सकते हैं, लेकिन 30 दिनों के लिए इंडियन लाइसेंस जो है वो वैलिड रहता है। लेफ्ट हैंड साइड ड्राइव होती है, तो जैसे अमेरिका में होती है लेफ्ट हैंड साइड है, जैसे यूके में होती है वो राइट हैंड साइड है, और जैसे इंडिया में होती है, बट ये लेफ्ट हैंड साइड कार होती है। और इसको आप ड्राइव करके, और अब हम जा रहे हैं इज़मेर, और इज़मेर से आगे नाज़िले, और वहाँ के लिए हम फ्यूल अप करेंगे और हमारी गाड़ी रेडी है। तो सब सेट, हमने गाड़ी सबको सेट कर दिया और हम तो निकल गए हैं रोड ट्रिप पर। मैं इतना एक्साइटेड हूं, तुम इतने एक्साइटेड क्यों नहीं हो? व्हाई यू आर नॉट सो एक्साइटेड? तो आप यहाँ से कुछ 6 घंटा हम ड्राइव करके पहुँच जाएंगे नाज़िले, और फिर रास्ते में क्या क्या होगा आपको नजारा दिखाते चलते। अरे मैं से स्ट्रेच कर रहा हूँ क्योंकि चार घंटे की ड्राइव। हाँ, की ले लिया, और हम आ गए हैं यफा। यफा पे बड़ा फेमस वो है क्या, कॉफी पीने के, रुके यार बस 3.5 घंटे की ड्राइव के बाद।